बसमिल रखीम नाजर ने कराम अलक्म आप देख रहे हैं रमज़ान ममारक की नशियात नशातराम आलम की बात आलमगीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर हाजिर खिदमत है हर रोज़ हम कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं कोई ना कोई मौजू लेके आते हैं आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ये खूबसूरत रूपरवर नशरियात हैं नाज़ीन हर रोज़ हमारे साथ साथनाखाने रसूल सलील वाले, वाले वसलम होते हैं स्कॉलर हज़रा होते हैं जो कुरान सनत की रोशनी में बात करते हैं आज भी हमारे साथ मेहमान शख्सयात तशी फर्मा है ममताज़ मोहतरम सनाखा हैं बतिन अजीज़ पास्तान की खूबसूरत आवाज़ है और खूबसूरत अंदाज से नजराना अक़ीदत पेश करने का शर हासिल रखते हैं कारी मोहम्मद नाम कवान साहब तशी फरमा इसलिक अजीन हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत हैं इस्लाम पर गहरी नज़र रखते हैं बहुत ही खूबसूरत अफकारों के आलत का इधार करने वाली शख्सियत है। हैं दानशवर हैं कई किताबों के मुसनफ़ हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में इस्लाम की तरवीज के हवाले से पीस का पैगाम देते हैं मोहब्बत का पैगाम देते हैं अम का पैगाम देते हैं मरूफ़ मज़बी इसकालर और रूहानी इस्कालर प्रोफेसर ज़ैर अब्बास कादरी साहब सरबरा अफला अदारा इंटरनेशनल के सरबरा हैं बहुत ही खूबसूरत अफकारों के आल का इजहार करने वाली शख्सियत हैं अल्लामिक वालेकलम

खाना पीना भी उसके पास है बिल्कुल लेकिन ये क्या उम्मत मुस्लिम के इसमें क्या राज है इसमें राज, इस राज ये है कि अल्लाह ताला तज्रीम ने इस कायनात को और इंसानों को और बिलखसूस मुसलमानों पर करम ये फरमाया कि उनको सारी नमतें अता इंसान की सारी लज्जतें अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमा दी तो रमज़ान ने अता फरमाया इसलिए कि तुम लोगों को एक तो पता चले कि मेरी जो नियमतें हैं उनकी वैल्यू और कीमत और, और इम्पॉटेंस क्या है दूसरा ये अल्लाह ताला ने फरमाया यानी मकसद ये था इस रमज़ान बारों को नाजिल करने के या का या भिजवाने का कि पता चले कि इतनी लजीज और इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्तदार नमतें मिल जाने के बाद मैं देखूँ तो सही रब की खुशनूदी के लिए मैं देखूँ तो सही कि मेरे ये बंदे जो हैं ये मेरी रजा के लिए मेरी दी हुई चीज़ों से क्या ये रुक सकते हैं या नहीं तो रोजा जो है बेसिकली वो अल्लाह ताला की खुशनूदी है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है लिहाजा जो बंदा रजा हासिल करने के लिए खाना नहीं खाता शिद्दत भूख के बावजूद और फिर मेडिसन तक इस्तेमाल नहीं करता शिदत नकाहत के बावजूद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए अजर अजीम है और इस अजर को आप यूँ देख लें कि ये भी अल्लाह ताला की राहमत है हम पर कि अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की जो बूँ है वो पसंद इतनी है कि आका सलाम शाह फरमाते हैं कि अगर जन्नत से व अंबर लाई जाए और अजीम तरीन खुशबुँ जन्नत की लाई जाएँ तो वो ऐसी खुशबूँ हैं कि अगर थोड़ी सी अगर जन्नत से सुई के नोक जितना सुराख कर दिया जाए तो सारी कायनात मतर और मम्मर हो जाए इतनी जबरदस्त खुशबुए इसके बावजूद अल्लाह की रहमत है रोजादारोजादार की मोमिन पे कैसे रहमत बरसती है कैसे बरसती है तो ये रहमत का बरसना ही तो है कि अल्लाह ताला को रोजादार के मुंह की बू पसंद इतनी है कि जन्नत की सारी खुशबुएं इस पर कुर्बान है और जन्नत के सारे मुअत्तर और मम्मर कर देने वाले जितने भी लोबान के धुनिया हैं या फिर जितन, कोई भी है वो के सारे रोज़दार के मुंह पर कुर्बान हैं यही वजह ये मरगूब और महबूब इतनी है अल्लाह तजरत मूसअलीसम को तीस दिन के बाद किताब देना थी मगर हजरत मूल ने मिसवा कर ली तो अल्लाह तस दिन और बढ़ा दिए फरमाया क्या मूसा तेरे मुंह की जो बू है रोज़े की हालत में वक्त इफ्तार जो होती है वो मुझे पसंद इतनी है कि मैं इसको महबूब रखता हूँ और दस दिन तुझे और तो रात लेट कर रहा हूँ मगर एक मेरा वो पैगम्बर मेरा वो नबी दुनिया में तशरीफ़ लाएगा जो आखिर उस जमान भी है मुझे उनके मुँह की बू जो है रोज़ा रोज़े की हालत में इतनी पसंद है कि मैं उनके लिए उनको तरसाऊंगा इसलिए कि वो जन्नत की तलब करें मेरी रज़ा की तलब करें मेरी रहमत मांगें तो इस हालत में वो मुझसे खाना पीना सब कुछ जितनी भी हलाल चीजें हैं, कुछ वक्त के लिए जो जो उन उन पर पर हराम कर दी जाएंगी, यानी उनको उन हलाल नहीं रहेंगी, तो वो सबर करने के 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 बाद शाम के वक्त मुझसे इस बू के साथ तो सुभान जो मांगेंगे, मेरी रहमत उनको यूं कि रहमत कि समंदर बहा दूंगा होता है <गफरू लहू> सुभान है कोई बख्शि मांगने वाला आ, उसे दी जाए आ, हा, हा, हा। और हल सुभान सुभान हल दुआइन हलू है कोई दुआ मांगने वाला उसकी कबूल की जाए और फरमाया कि है कोई मेरा मांगने वाला उसे दिया जाए हल लहू है कोई रिज की बरकते मांगने वाला बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल है सही अल्लाह रहमतें बरसाते हुए बंदे मोमिन के लिए फरमाया कि वो लोग जो अपने आपको बड़े गुनागार समझते हैं बड़े खताकार समझते हैं मगर उनको चाहिए शहरी करें सुबह से लेकर शाम तक रोजे में रहें कुरान पढ़ें करें 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 नमाजें अदा करें, के खुदा की खिदमत मगर शाम के वक्त जब वो दुआ के लिए हाथ उठाएंगे अपने लिए और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे तो उनके उनके रोजे की वजह से अफतारी के वक्त में साठ हजार जहनवियों को जन्नत अदा कर दूंगा और फिर एक दूसरी रवात के बहकी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अकल इसम शाह

बहाने तलाश कर रही है। बहाने तलाश कर रही है कुछ ना कुछ जाओ मेरी बारगाह में ताकि तुम्हें जान बुझ कर की हुई खतएन साहब की हुई खताएं तुम्हारी खलवत जलवत की हुई खताएं तुम इधर रोजा रखोगे उधर अफतारी के वक्त दुआ मांगोगे रब्बा तुम्हें बख्श दे बोला हमारी माफ कर दे सलाम शाह फरमाया जो बंदा मुआफी नहीं मांगता रमजान शरीफ के रोजों की बरकत से खुद ख़ुद उसके अमाल से गुना मिटा दिए जाते हैं सहीरा जितने भी हैं और अगर वो अफतारी के वक्त अपनी और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांग लें तो अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि उसके भी सारे गुना माँ फरमाता है बल्कि अल्लाह ताला जिन जिन की बख्शिश कर की दुआ करता है अल्लाह ताल सबको बख्श देता है लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अफ्तारी के वक्त अल्लाह की रहमत का जब ठाठे मारता वह समंदर और रहमतें बरस रही हूँ हर रोज़ादार जो है वह अपने लिए भी और पूरी उम्म की बख्श के लिए दुआ जरूर किया है सना खान है। आपकी गुफ्तु चले यकीन जानिए कि वक्त ऐसे बीत जाता है मालूम ही नहीं होता सना ना शामिल करते हैं सना खान, कारी कवान सब फर्मा है आप सब क्या सुनाना चाहेंगे सुबह सुबह

सुबहान अल्लाह क्या, क्या, अल्ला। श्च चुन अल्ला, अल्ला। क्या कहने क्या कहने सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह करेंगे हर गुलाम का चेहरा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह क्या कहने क्या कहने रे गुलाम का चेहरा अरे गोलाम का चेहरा वो जानते हैं सुबह अल्लाह सुबह नो दो देता सिदरा बिस्मिल्ला से यकीन से निकला हूँ जान बहुबा क्या कहने भाई क्या कहने क्या कहने शुभानंद अल्लाह कमाल मै से यकीन से निकला ਕਾਇਰ ਰਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਹਾਂ हमें साहा सिखाई बात ये सर्वरे हमें सहा बने सुभा नुभा नला सुभा न्या कहता है खुदाया जरूर जानते हैं माशा बहुत खूबसूरत अंदाज से कारी मोहम्मद कमान साहब अंदाज से एक खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे उदूद ताहिर सिदरा हजूर जानते हैं इल्हा जामा तेरा कुरान अमामा तेरा क्या इल्हाम जामा तेरा कुरान अमामा तेरा मिंबर तेरा अर्श बरी हो हो। या रहमत आलमीन या रहमत आलमीन प्रोफेसर साहब वहीं से कंटिन्यू करेंगे आखिरी लम्हात हैं और, और कंक्लूड की जाने बढ़ रहे हैं रहमत बरस रही है जी। और रहमत आना भी तलाश कर वो कौन सा जरिया है रमज़ान मुबारक का वो कौन से लम्हे हैं जिसको गनीमत जाना चाहिए रमज़ान मुबारक में शहर और अवतार का वक्त जो है उसको गनीमत जाना जाए उसमें जो भी दुआ मांगें अल्लाह कबूल फरमाता है उस वक्त में जो भी आप अल्लाह से मांगें झोलियाँ भर भर के मिलेगा हती के आकाय नामदार सैदालम साल वाल वसम ने शाह फरमाया कि रोज़ादार वक्त अवतार और वक्त शहर, अल्लाह की बारगाह में जो मांग रहा होता है जो दिल में ख़याल भी कर रहा होता है वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाकर उसको भी हकीकत का जामा अता फरमाता है तो इसलिए रोज़ादार को चाहिए कि रमज़ान रमज़ानबार को इतना सीरियस ले इतना सीरियस ले कि यूं समझे कि एक महीने के लिए किसी और जहान में चला गया है वो जहान जो नेकियों का है वो जहान जो महबतों का है जो कैफ का है जो सरूर का है जो भलाई के आलम का है जो भलाई का है जो दूसरों से मोहब्बत का है दूसरों के दुख बांटने का हम खारी का महीना किसी ने अगर आपसे खुदा न खास्ता कभी आपका दिल भी दुखा दिया हो छोड़ें अपने, अपने अल्लाह और उसके अल्ला रसूल सलाम की रजा के लिए छोड़ें कता तालू को आपका अपनी अना को जो जो है ना वो दूर रखते हुए कताा तालूी का खत्म करना करने की देर है उधर से जन्नत का टिकट जारी हो जाए इतनी ज्यादा करम नवाजियाँ होती हैं और आखिर नामदार सरवेद आलम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम शाह फरमाया कि रमज़ान मुबारक में बीमार बीमार लोगों की बीमार पुरसी जरूर करो क्योंकि अगर तुम किसी बीमार के पास गए हो जाकर उसके पास बैठ गए हो तो तुम तुम तुम्हें पता है तुम कहाँ बैठे हो तुम दुनिया में नहीं तुम जन्नत तुम रुए ज़मीन के किसी खत्ते में नहीं बैठे तुम जन्नतफरदौस के सबसे अली दर्जे में बैठे हो किसी की अगर बीमार पुरसी करते हो तो लिहाजा हमें चाहिए कि रोज़ा के दौरान या रमज़ानबारा के दौरान जहाँ हम अपने आप को अपने बच्चों को याद रखें वहाँ अपने मुहल्ला को अपने रिश्तेदारों को अपने यूनिवर्सिटी फैलों को फैलोज़ को अपने बिजनेस फ़ैलोज़ को अपने रिलेशनस वालों को जो जन जिन लालच है उनको भी जिनसे नहीं है उनको भी हम अपनी मोहब्बतें दें ताकि उनकी बरकत से अल्लाह ताली दोनों जहानों में कामयाबियाँ दें और रमज़ानबारा की हकीीक बरकतें हमारे नाम बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ज़ैीर अब्बास काद्र साहब आपका आपकी शफकत का आपकी मोहब्बतों का हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी कारी मोहम्मद इनाम कमान साहब आपका शुक्रिया जी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए अजीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है आलम की बात आलमगीर के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद आलमगीर को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़